को बिल्कुल नीचे से हमें उठाना है क्योंकि हमें नीचे बेस दिया है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। हाय गाइस, वेलकम टू फूड एंड पैशन बाय कविता बरेडिया। पुडिंग सभी को बहुत अच्छी लगती है, कैरेमल सबको अच्छी लगती है, संदेश तो ऑफ कोर्स हेल्दी लगता है। मैं कुछ एक्सक्लूसिव डिश बनाया जाए तो आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस यामी एक्सक्लूसिव हेल्दी भी। हम बनाएंगे संदेश कैरेमल संदेश पुडिंग बहुत ही डिफरेंट तरीके से, क्विक और इजी मेथड से। शिफ्ट से खाना घर पे बनाए चिटकी में हम बने आपके प्यार से, तो चले बनाते। तो दोस्तों शुरू करते हैं बनाना बहुत ही डिफरेंट डिलीशियस। हम बनाएंगे कैरेमल संदेश पुडिंग। तो सबसे पहले जो है मैं बनाऊंगी कैरमलाइज्ड नट्स। तो ये मैंने नट्स लिए हैं थोड़े से, इसको जो है हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में जो है हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप कोई भी नट ले सकते हो अपने चॉइस के हिसाब से। इनको हम जो है करीबन एक मिनट मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इससे जो हमारा कैरमल ये ड्राई फ्रूट बनेगा ये बहुत ही क्रंची रहेगा। और साइड में जो है मैं एक प्लेट ले रही हूँ, इसमें जो है हम थोड़ा सा घी, आप चाहो तो ऑयल भी ब्रश कर सकते हो, मैं इसमें घी ब्रश कर ले रही हूँ। ऐसे हम लोग इसको ग्रीस कर देंगे और इसको एक साइड रख देते हैं। तो इसको हम करते हैं ड्राई रोस्ट करीबन एक मिनट के लिए। ये अच्छे से हमारा ड्राई रोस्ट हो गया है। अब जो है फ्लेम हमने बंद कर दिया है और इसको हम इसमें प्लेस कर देंगे। अब इसके लिए हम तैयारी करते हैं हमारे शुगर के लिए। तो ये मैंने लिया है शुगर हाफ कप और इसको जो है हम करेंगे कैरमलाइज। तो इसको हाई फ्लेम में हम रखेंगे और इसको होने देते हैं करीबन जब तक जो ये शुगर है हमारा कलर चेंज करने नहीं लग जाए। ये देखिए हमारा शुगर जो है मेल्ट होने लग गया है। तो इसी ढंग से हम वेट करेंगे कि इसको मेल्ट होने दें। ये देखिए जो हमारी शुगर है कलर चेंज कर रही है। इसको हम और करेंगे, ये हमारा फ्लेम अभी हाई है। आप देख सकते हो हमारा जो शुगर है अच्छे से मेल्ट हो गया है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। गैस की फ्लेम हम कम कर देंगे इस वक्त। इसमें मैं डालूंगी सिर्फ एक चुटकी बेकिंग पाउडर, ये ऑप्शनल है। इससे जो है हमारे कैरेमल में बहुत ही एक अच्छा कलर आ जाएगा। ये अब एकदम बिल्कुल रेडी है और इसको जो है अब हम पोर कर देंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स के ऊपर। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ गया है। इसको अब हम पोर करेंगे, ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उस पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसके पूरी अच्छे से हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से सारा हमारा स्प्रेड हो गया है। इसको हमें सेट होने देना रूम टेम्परेचर में एकदम फर्म हो जाने के लिए। इसकी तैयारी, ये मेरे पास करीबन 100 ग्राम पनीर है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। इस पनीर को अब हम डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। इसमें मैं डालूंगी 2 इलायची कुटी हुई। इलायची बिल्कुल ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट आप अवॉइड कर सकते हो। ये मेरे पास काजू पाउडर है, मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून काजू पाउडर। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल 1.5 टेबलस्पून ये मेरे पास आलमंड पाउडर है। नॉर्मल जो घर में आलमंड और काजू होते हैं उनको आप आराम से पाउडर फॉर्म में पीस ले सकते हो, तो इट बिकम्स इन दैट वे। ये मेरे पास मिल्क पाउडर है, ये हम डालेंगे इसमें। ये 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है। 2 टेबलस्पून अमूल क्रीम, इससे हमारा संदेश जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। आप घर की मलाई भी डाल सकते हो, अगर आपके पास फ्रेश मलाई है तो आप बिल्कुल घर की मलाई भी डाल सकते हो। और अब इसमें हम डालेंगे शुगर। शुगर की मात्रा ध्यान से, बिकॉज ऑलरेडी जो हमारा मिल्क पाउडर है उसमें शुगर रहता है और हम इसमें कैरमल भी यूज़ करेंगे, तो शुगर हम ध्यान से डालेंगे।
और इन सबको अब हम करेंगे अच्छे से मिक्स ग्राइंडर में डालकर। 2 टेबलस्पून इसमें मैं डालूंगी मिल्क और इसको अब फाइन पेस्ट के फॉर्म में हम ग्राइंड कर लेते हैं। स्पून मिल्क और डालती हूँ। हमें एक स्मूथ पेस्ट चाहिए तो 1 टेबलस्पून मिल्क और डाल रही हूँ। मिल्क की जो क्वांटिटी है ध्यान से डालिएगा, हमें बहुत फ्लोई नहीं चाहिए। इसको फिर से एक बार ग्राइंड करेंगे। ये देखिए एकदम ड्राई हो गया है, बहुत अच्छे से ये हमारा बन भी गया है। और अब इसको जो है हम क्रश करेंगे एकदम पाउडर फॉर्म में। तो मैं इसको इस ढंग से धीरे धीरे क्रश कर लूँगी पाउडर फॉर्म में। देखिए एकदम अच्छे से हमने इसको क्रश कर लिया है। तो हमारा ये जो ड्राई फ्रूट का कैरमल है, प्रलाइन है, बिल्कुल रेडी है। तो अब आगे की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। ये हमारा लेफ्ट ओवर जो थोड़ा सा कैरमल बच गया था, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे मिल्क। बहुत ध्यान से करना है क्योंकि बहुत गर्म रहता है। तो इसमें हम डालेंगे, पहले इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं बिकॉज़ ये थोड़ा सा टाइट हो गया है। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून जितना मिल्क। इसको थोड़ा सा हमें डाइल्यूट करना है। ये करीबन 3 टेबलस्पून मैंने मिल्क डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा फॉर्म हो गया है। अगर ये आपको थोड़ा गाढ़ा लगता हो तो इसमें आप थोड़ी सी मिल्क की क्वांटिटी डाल सकते हो। मैं इसमें 1/2 टीस्पून मिल्क और डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे। और जब जो कि हम बना रहे हैं इंस्टेंट ये पुडिंग, संदेश पुडिंग, तो ये मैंने ब्रेड लिया है। ये ब्रेड को जो हम साइड को कट कर लेंगे और इसको इसमें हम डिप करेंगे दोनों तरफ और तुरंत इसको उठा लेंगे और इसको जो हमारा ट्रे है उसमें हम प्लेस कर देंगे। इसी तरीके से हम बाकी ब्रेड्स को भी ऐसे डिप करेंगे हमारे कैरमल सॉस में जिसमें हमने मिल्क डाला है और इसको इस ढंग से प्लेस कर देंगे। सारी ब्रेड की लेयर हम लगा देंगे। जहाँ पे थोड़ा सा हमारा रह गया है उसको हम थोड़ा सा ये शुगर कैरमल सॉस लगा देंगे। ये जो हमने अभी संदेश बनाया है इसमें अब हम डालेंगे ये जो हमने प्रलाइन बनाया है यानी ड्राई फ्रूट का जो क्रश हमने डाला है ये मैं इस पर डालूँगी। हमें बनाना है कैरमल संदेश तो ये डालना बहुत ही ज़रूरी है। बिलीव मी फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही यमी लगती है। इसको अब हम मिक्स करेंगे और अब इसकी एक लेयर जो है ये अब हमारा संदेश का जो लेयर है मिक्स करने के बाद इसको हम हमारे ब्रेड के ऊपर प्लेस कर देंगे। एक थिन लेयर हम प्लेस करेंगे। हमने एक लेयर पुट कर दी है। अब एक और लेयर इसके ऊपर हम डालेंगे ब्रेड की। उसके पहले मैंने लिया है व्हिप्ड क्रीम। ये व्हिप्ड क्रीम है, इसमें भी हम यूज़ करेंगे व्हिप्ड क्रीम। आप नॉर्मली कोई भी क्रीम को खूब अच्छे से व्हिप कर लीजिए। इतने अच्छे हमें नॉर्मल ब्लेंडर के साथ आप व्हिप कर सकते हो। और इसको देखिए ऐसे हम उल्टा भी करेंगे तो भी क्रीम फॉल नहीं करेगी, यानी हमारी क्रीम जो है अच्छे से व्हिप हो गई है। तो अब इसके ऊपर एक और ब्रेड की हम स्लाइसेस पुट करेंगे। वैसे ही हम डिप कर देंगे कैरमल सॉस में और इसके ऊपर एक स्लाइस और डाल देंगे। इसी तरह से हम बाकी सारे स्लाइसेस डाल देंगे। सेकेंड लेयर लग गई है। अब ये जो थर्ड लेयर सेकेंड लेयर हम लगाएंगे हमारा संदेश का, उसमें मैं डालूंगी चोको चिप्स। ये ऑप्शनल है बट चोको चिप्स कैरमल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है तो मैंने इसलिए कुछ चोको चिप्स ऐड किया है। मैंने करीबन 1.5 टेबलस्पून चोको चिप्स ऐड किया है। इसकी मात्रा कम बेसी कर सकते हो आप एज़ पर योर चॉइस। और इसको अब हम इसके ऊपर अच्छे से एक लेयर लगा देंगे। हमने 2 लेयर जो है हमारे संदेश का लगा दिया है। अब हम लेंगे ये व्हिप्ड क्रीम। लास्ट लेयर होगी हमारी व्हिप्ड क्रीम, कैरमल व्हिप्ड क्रीम।
तो ये मैंने ले लिया है। मैंने करीबन हाफ कप जितना क्रीम को व्हिप किया है और अब इसमें मैं डालूंगी ये जो हमने प्रलाइन बनाया था वो थोड़ा सा हम रख लेंगे ऊपर गार्निश के लिए और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कैरमल सॉस भी। ये मैंने 1 टेबलस्पून जितना डाला है कैरमल सॉस भी और इसको जो है अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे हमारे व्हिप्ड क्रीम में। कट एंड फोल्ड मेथड से व्हिप कर इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही देखिए अच्छा कलर आ गया है हमारे क्रीम में। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की है। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप प्लीज़ आराम से इसमें शुगर ऐड कर सकते हो। क्रीम में ऑलरेडी रहती है, प्लस हमने कैरामल सॉस भी यूज़ किया है उसमें भी मिठास रहती है, तो मैंने इसमें शुगर यूज़ नहीं की है एक्स्ट्रा। बट एज आई सेड कि अगर आपको लगे आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप प्लीज़ ऐड करिएगा शुगर भी। अब इसको जो है हम इस पुडिंग के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए हमने क्रीम को बहुत अच्छे से इसमें लगा दिया है। अब ये जो बचे हुए कैरेमल है इससे हम डेकोरेट कर देंगे, बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही डिलीशियस बनता है, बच्चों के बड़ों के सभी का फेवरेट है। हेल्दी वर्जन ये है कि इसमें हमने सौंदेज का भी यूज़ किया है। इसको अच्छे से हमने ड्राई फ्रूट्स सभी कुछ एवरीथिंग इज़ मेड एट होम। और ये मैंने शुगर सिरप से बनाए थोड़े से इम्प्रेशन, तो इसको हम अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। इससे इस पे मैं थोड़ा सा जो है एक साइड में चोको चिप्स भी डेकोरेट कर दूंगी। बहुत अच्छा लगता है कैरामल के साथ चॉकलेट, तो ये मैंने चोको चिप्स वन साइड डेकोरेट कर देंगे। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से आप कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। और ये देखिए अब इसको हम रख देंगे डीप फ्रिज में या फ्रिज में करीबन 2 घंटा के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इसको हम रख देते हैं करीबन 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए। हमने करीबन 2 घंटा तक इसको आराम से रेस्ट करने दिया फ्रिज में। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस भी बना है। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथली ये कट हो रहा है। इसको बिल्कुल नीचे से हमें उठाना है क्योंकि हमें नीचे बेस दिया है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। इसकी एक बाइट आपको लेके दिखाती हूँ मैं। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा डिलीशियस यमी लग रहा है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।